सब्सक्राइब कीजिए मैडर्स इंग्लिश चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैडर्स इंग्लिश। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके सबसे ज्यादा डिमांडिंग लेसन फॉरेन एक्सेंट के बारे में। आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया है दोनों ही वीडियोस को। मैं आपके लिए ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पर एक और वीडियो बनाने की, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और फॉरेन वर्ड्स, किस तरह से फॉरेनर्स हमारे हिंदी से इंग्लिश वाले सेंटेंसेस को, या फिर जो हम सेंटेंसेस इंग्लिश में नॉर्मली कहते हैं उसे वो लोग किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सॉरी फ्रेंड्स, माय नेम इज माड़ी, यू आर वॉचिंग मैडर्स इंग्लिश। So let's start. देखिए, पिछले वीडियो में जो हमने वर्ड सीखे वो काफी सिंपल थे, आज के इस सेशन में थोड़ा सा डिफिकल्ट रखेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम इजी वर्ड से, फिर कुछ सेंटेंसेस हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर कुछ टफ सेंटेंसेस हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इस तरह का लेवल रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला वर्ड आपके स्क्रीन के सामने है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी। व्हाट इज योर आइडेंटिटी, वो लोग इसे कहते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वर्ड पर फोकस कीजिएगा, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। सो वो लोग इसे कहते हैं व्हाट्स योर आइडेंटिटी, व्हाट्स योर आइडेंटिटी, व्हाट्स योर आइडेंटिटी। हम लोग कहते हैं व्हाट इज योर आइडेंटिटी, या फिर फास्ट इसे कहें तो व्हाट्स योर आइडेंटिटी, लेकिन वो लोग इसे और छोटा करके कहते हैं व्हाट्स योर आइडेंटिटी, व्हाट्स योर आइडेंटिटी, व्हाट्स योर आइडेंटिटी। तो इस तरह से इस पर्टिकुलर वर्ड आइडेंटिटी को प्रोनाउंस किया जाता है आइडेंटिटी के रूप में, आइडेंटिटी, 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 आइडेंटिटी। अब नेक्स्ट जो वर्ड है वो एक्चुअली में एक सेंटेंस है। हम लोग कहते हैं वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, मतलब क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे या एक कप चाय लेना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी। वो लोग इसे छोटे में कहते हैं वुड यू लाइक अ कप, 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 वुड यू, वुड यू को वो लोग कहते हैं वुड यू, लाइक अ कप ऑफ टी को वो कहते हैं लाइक अ कप, लाइक अ कप, लाइक अ कप, लाइक अ कप, वुड यू 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 लाइक अ कप ऑफ टी, नो, वुड यू लाइक अ कप, वुड यू लाइक अ कप, वुड यू लाइक अ कप। कप ऑफ टी को वो लोग कहते हैं कपा, कपा, सी यू डबल पी ए, कपा, वुड यू लाइक अ कपा, वुड यू लाइक अ कपा, एंड वुड यू लाइक अ कपा, प्रैक्टिस दैट। नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ इज इट गोइंग ऑन, हाउ इज इट गोइंग ऑन, है ना सिंपल, हाउ इज इट गोइंग ऑन, वो लोग इसे और सिंपल कहते हैं हाउ इज इट गोइंग ऑन, हाउ इज इट गोइंग ऑन, हाउ इज इट गोइंग ऑन, हाउ इज इट गोइंग ऑन। हाउ इज इट को वो लोग कहते हैं हाउज इट, हाउज इट, ये मर्ज करके वो लोग बोलते हैं हाउज इट। उसके बाद में गोइंग ऑन में से वो जी हटा देते हैं, गोइंग उसे कहते हैं और ऑन तो उसे नॉन कहते हैं। हाउज इट गोइंग ऑन, 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 प्रैक्टिस दैट, हाउज इट गोइंग ऑन, हाउज इट गोइंग ऑन, हे हाउज इट गोइंग ऑन, हाउज इट गोइंग ऑन, एंड हाउज इट गोइंग ऑन। नेक्स्ट वर्ड है हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, वो लोग इसे कहते हैं हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर, हाउ आर को वो लोग कहते हैं हाउ आर, यू डूइंग में से जी हटा दिया डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, एंड हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, How are you doing? How are you doing? How are you doing? How are को मर्ज करके बोलना है, you doing को अलग अलग। How are you doing? How are you doing? How are you doing? अगला वर्ड है ubiquitous. U B I Q U I T O U S. Ubiquitous. हम लोग इसे कहते हैं ubiquitous, ubiquitous, ubiquitous का मतलब होता है यत्र तत्र सर्वत्र, मतलब हर जगह। जैसे अगर आप स्पोकन इंग्लिश बोल रहे हैं तो स्पोकन इंग्लिश का फियर जो है वो सभी जगह है। सो द फियर स्पोकन इंग्लिश इज ubiquitous, ubiquitous, ubiquitous। वो लोग इसे कहते हैं ubiquitous, 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 ubiquitous। हम लोग कहते हैं quitus, वो लोग इसे कू की मात्रा लगाकर खत्म कर देते हैं, ऊ की मात्रा पर खत्म कर देते हैं। यू बी कुटस, यू बी कुटस,
यूबीक्विटस, लेकिन अब वो और ज्यादा एडवांस्ड हो गए हैं, वो लोग इसे ऐसा बोलकर ही खत्म कर देते हैं, यूबीक्वस, यूबीक्वस, यूबीक्वस। द फियर ऑफ स्पोकन इंग्लिश इज यूबीक्वस, द फियर ऑफ स्पोकन इंग्लिश इज यूबीक्वस, 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 यूबीक्वस। तो यहां पर यूबीक्विटस हम लोग कहते हैं, फिर उन्होंने सीखा यूबीक्विटस कहना, अब लोग कहते हैं यूबीक्वस, 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 आधा क व और स, यूबीक्वस, यूबीक्वस, इट इज यूबीक्वस। अगला वर्ड है आई एम एग्जॉस्टेड, आई एम टायर्ड, आई एम वर्न आउट, या फिर आई एम बीट। इतने सारे वर्ड्स का यूज किया जाता है सिर्फ एक वर्ड्स को कहने में कि मैं थका हुआ हूं। आई एम एग्जॉस्टेड, आई एम टायर्ड, आई एम वर्न आउट, या फिर आई एम बीट। इतने सारे वर्ड्स हम लोग कहते हैं, वो लोग इन सब के लिए सिर्फ एक ही वर्ड कहते हैं और वो है नेकर्ड, आई एम नेकर्ड। सबसे पहले इस वर्ड का मतलब समझिए, आई एम नेकर्ड। नेकर्ड के देखिए दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग होता है नेकर्ड का कि समथिंग इज ब्रोकन, इफ समथिंग इज ब्रोकन वी यूज द वर्ड नेकर्ड। फॉर एग्जाम्पल माई कार इज ब्रोकन, माई बाइक इज ब्रोकन, सो वी कैन से माई कार इज नेकर्ड, माई बाइक इज नेकर्ड। इसी तरह से इसका दूसरा मतलब इन सभी वर्ड्स के लिए होता है, आई एम एग्जॉस्टेड, आई एम टायर्ड, आई एम वर्न आउट, या फिर आई एम बीट। इन सभी वर्ड के लिए एक वर्ड होता है आई एम नेकर्ड, आई एम नेकर्ड। अब देखिए इसे प्रोनाउंस किस तरह से करना है, आई एम नेकर्ड। आई एम को भी भूल जाइए, पहले इस वर्ड को प्रोनाउंस करना सीखिए, नेकर्ड, के एन एस सी के ई आर ई डी, नेकर्ड। सबसे पहले न को थोड़ा सा राइमिंग बोलिए, उसके बाद में खर्ट, नेकर्ड, 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 आई एम 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 नेकर्ड। तो यहां पर आई एम बीट, आई एम वॉर्न आउट, आई एम एग्जॉस्टेड, या फिर आई एम टायर्ड, इसे आप लोग कह सकते हैं आई एम नेकर्ड, आई एम नेकर्ड, एंड आई एम नेकर्ड। अगला सेंटेंस, व्हाट वॉज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट थिंग्स यू डिड फॉर मी। इसे फॉरनर्स किस तरह से कहते हैं, वो लोग इसे कहते हैं व्हाट वॉज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट थिंग यू डिड फॉर मी। व्हाट वॉज, व्हाट वॉज को वो लोग कहते हैं व्हाट वॉज, व्हाट वॉज, व्हाट वॉज, व्हाट वॉज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट थिंग, वन ऑफ द को वो लोग कहते हैं वन ऑफ द, वन ऑफ द, वन ऑफ द, वन ऑफ द, वन ऑफ द। फास्ट कहिए, सबसे पहले एक चंक में कहना सीखिए, व्हाट वॉज को हम कहेंगे व्हाट वॉज वन ऑफ द, व्हाट वॉज वन ऑफ द, मतलब व्हाट वॉज वन ऑफ द, व्हाट वॉज वन ऑफ द। वेरी फर्स्ट थिंग, वेरी फर्स्ट थिंग, फर्स्ट, 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 जैसे फ्रस्टेड बोलते हैं उसी तरह से फर्स्ट, फर्स्ट, फर्स्ट। व्हाट वॉज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट थिंग यू डिड फॉर मी, यू डिड फॉर मी। फॉर में से आर को हटाना है, यू डिड फॉर मी, यू डिड फॉर मी। फास्ट कहिए, व्हाट वॉज वन द वेरी फर्स्ट थिंग यू डिड फॉर मी, व्हाट वॉज वन द वेरी फर्स्ट थिंग यू डिड फॉर मी, फॉर मी, फॉर मी। इस तरह से इसे कहा जाता है, व्हाट वॉज वन द वेरी फर्स्ट थिंग यू डिड फॉर मी। अगला सेंटेंस, आई आस्क्ड यू अ क्वेश्चन, आई आस्क्ड यू अ क्वेश्चन। देखिए ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसमें इंडियंस कंफ्यूज हो जाते हैं। मोस्टली दो वर्ड्स ऐसे हैं जो आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला वर्ड है वैज्ञानिक को अगर हम प्लूरल में कहें तो हम लोग कहेंगे साइंटिस्ट्स, 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 लेकिन बहुत सारे लोग इसे गलत प्रोनाउंस करके साइंटिस्ट्स कह देते हैं, साइंटिस्ट्स, आपने नोटिस किया होगा साइंटिस्ट्स कह देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और वर्ड है जिसकी जो कि एक वर्ब है जिसको हम गलत तरीके से कहते हैं, ए एस के ई डी, asked, 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 बहुत से लोग इसे asked कह देते हैं। लेकिन foreigners या फिर बहुत सारे Indians भी अब लोग इस चीज को समझ चुके हैं कि इसके इसके लिए asked नहीं कहना है, asked में से के को हटा के इसे asked पढ़ना है, asked। I asked you a question, I asked you a question, I asked you a question नहीं कहेंगे, I asked you a question, I asked you a question, I asked you a question, asked। Agla sentence, if I had you count something, what will you count? If I had you count something, what will you count? ये word मैंने Bill Gates की speech में सुना था, उन्होंने इसे इस तरह से कहा था, if I had you count something,
What will you count? If I had you count something, what will you count? What will you count? What will you count को वो लोग कहेंगे What will you count? What will you count? What will you count? What will you count? इसी तरह से If I had you, if I had you, if I had you, if I had you count something, something को वो लोग जी हटा कर कहते हैं something. Dancing में से dancing. इसी तरह से वो लोग बात करते हैं If I had you count something, if I had you count something, what will you count? What will you count? If I had you count something, if I had you count something, what will you count? 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 First कहिए, if I had you count something, what will you count? If I had you count something, what will you count? इस तरह से उसे pronounce किया जाता है. अगला sentence, you might not get the funding from them. You might not get the funding from them. वो लोग इसे fast कहते हैं, you might not get the funding from them. 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 You might not get को वो लोग कहते हैं You might not get. You might not get. You might not get. You might not get. Funding from them. Funding from them. Funding from them. Funding from them. From them को from them. From them. From them. From them. From them. Them वाला them. From them. From them. You might not get the funding 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 from them. इस तरह से हमें उसे प्रोनाउंस करना है सो फ्रेंड्स कैसा लगा ये लेसन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका एक और पार्ट अगर आप लोग चाहते हैं तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स मेरे पास अभी भी है जिन पर मैं वीडियो बना सकता हूं और आपको फॉरेन इंग्लिश में प्रोनाउंस करना सिखा सकता हूं तो वीडियो के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो चाहिए या नहीं प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आपके पास में ऐसे कोई वर्ड्स है जो आप प्रोनाउंस करना चाहते हैं फॉरेन इंग्लिश में फॉरेन प्रोनाउंसिएशन आप उसका देखना चाहते हैं किस तरह से उसका एक्सेंट प्रोनाउंस करना है किस तरह से उसे उस एक्सेंट पे बोलना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी ये वर्ड्स ये सेंटेंसेस सीखने का मौका मिले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय